दोस्तों हिंदी टेक ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं राजदीप और आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हर टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं होती है। चाहे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हो या आपकी लाइट तक यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो। सो गाइस, शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है लेटेंसी। अब लेटेंसी होता क्या है? तो गाइस, लेटेंसी का मतलब होता है कि जब भी आप कोई इनपुट देते हैं और इनपुट देने के बाद आउटपुट में जो समय लगता है और उसके बीच का जो गैप होता है उसे हम लेटेंसी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने आपके कीबोर्ड पर कोई बटन प्रेस किया और बटन प्रेस करने से कुछ आपको कंप्यूटर पर आउटपुट मिला, तो उस आउटपुट को मिलने में और प्रेस करने में जो बीच का डिले होता है उसे लेटेंसी बोलते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि लेटेंसी क्या होती है। सो सबसे पहला एग्जांपल है ऑनलाइन गेमिंग। दोस्तों आप जब भी ऑनलाइन गेमिंग कर रहे होते हो तो एक इंसान यहाँ बैठा हुआ होता है, एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया में, और दूसरा इंसान कहीं और बैठा होता है, एग्जांपल ले लेते हैं यूएसए में। और अब आप दोनों एक शूटिंग गेम खेल रहे हो जिसके अंदर उसको आपको शूट करना है और आपको उसको। अब क्या होता है, आप दोनों एक सर्वर से कनेक्टेड रहते हो। अब वो जो सर्वर होता है वो सामने वाले को आपकी लोकेशन बताता है मैप पे, और आपकी लोकेशन उसको बताता है और उसकी लोकेशन आपको। तो वो जो सर्वर होता है वो दोनों की लोकेशन बताता है कि आप कहाँ हो और वो कहाँ है। अब यहाँ पर अगर सामने वाला प्लेयर आपके पास आता है आपको शूट करने के लिए और सर्वर को टाइम लग जाता है वो बताने में कि वो आपकी तरफ आ रहा है, तो आप क्या है, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं कि वो आपके पास आ रहा है और वो आपको शूट कर देगा। तो फिर ऑनलाइन गेमिंग जो होती है उसके अंदर जो लेटेंसी का लो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लेटेंसी हाई है तो ऑनलाइन गेमिंग काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मिली सेकेंड्स में वहाँ पे चीज़ें होती है। आप दौड़ रहे हैं, आप किसी को शूट कर रहे हैं, आप गोल मार रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको रियल टाइम में दिखानी होती है। तो गेमिंग में अगर लो लेटेंसी है तो बहुत अच्छी बात है, और हाई लेटेंसी से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। दोस्तों इसके बाद बात आती है फाइबर ऑप्टिक केबल्स की। तो जो लोग फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बारे में नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूँ कि जो इंटरनेट का पूरा स्ट्रक्चर है वो फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़ा हुआ है, और नॉर्मल केबल्स होती है वो कॉपर वायर वाली केबल्स होती है, तो उसमें जो डेटा फ्लो होता है वो स्लो स्पीड में फ्लो होता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट की स्पीड से डेटा फ्लो होता है। अब फाइबर ऑप्टिक केबल में भी लेटेंसी होती है। अब आप सोचेंगे कि फाइबर ऑप्टिक केबल अगर लाइट की स्पीड से उसमें डेटा फ्लो होता है तो उसमें तो गेप होनी नहीं चाहिए, उसमें तो डिले होना ही नहीं चाहिए। तो गाइस, जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख मीटर पर सेकेंड। मतलब जो ट्रैवल करती है वो 30 लाख मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। तो अगर उसे 30 लाख मीटर एक ट्रैवल करना है तो वो तो एक सेकंड में कर लेगा, लेकिन सोचो अगर उसको 90 लाख मीटर ट्रैवल करना हुआ तो उसे 3 सेकंड लग जाएंगे। तो गाइस, लाइट भी जो है उसको भी टाइम लगता है, उसको भी फ्लो करने में और पहुंचने में टाइम लगता है। तो प्रैक्टिकली देखें तो फाइबर ऑप्टिक केबल में इतना डिस्टेंस उसे कवर करना नहीं होता, लेकिन क्या होता, जो मैंने आपको स्पीड बताई वो थी वैक्यूम में। अब जो लोग जानते नहीं है वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट ना हो, एयर ना हो, जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, एकदम खाली, जैसे स्पेस होता है, तो स्पेस में 30 लाख मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। लेकिन जहाँ पर वैक्यूम नहीं है, जैसे यहाँ पर आप ले लेते हैं और इसमें लाइट ट्रेवल करती है, यहाँ पर वैक्यूम नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम उसको लग सकता है ट्रेवल करने के लिए। तो ऑप्टिक केबल जो होती है उसके अंदर जो डेटा फ्लो करता है लाइट की स्पीड से, वहाँ भी लेटेंसी होती है। अब वो जो लेटेंसी होती है वो मिली सेकेंड्स में होती है, सेकेंड के लाखवें हिस्से में होती है, लेकिन जब उसे ऐड करते हैं हम टाइम के साथ साथ तो वो जो लेटेंसी रेट है वो बढ़ता जाता है और उसमें डिले होता है। तो ये बात होगी फाइबर ऑप्टिक केबल की। अब इसके बाद बात आती है सैटेलाइट की। तो कैसे, आपने देखा होगा कि जब भी आप न्यूज़ देखते हैं न्यूज़ चैनल पर, तो बहुत बार स्टूडियो में से कोई इंसान किसी रिपोर्टर से सवाल पूछता है, तो वो यहाँ से कुछ पूछता है और उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, वो अपने ईयरफोन में सुनते रहते हैं और फिर रिप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर डिले होता है। तो वो जो डिले है वो भी लेटेंसी की वजह से होता है। अब वो डिले किस तरीके से होता है कि क्या होता है कि जब भी स्टूडियो से कोई उनसे सवाल पूछता है तो वो जुड़ा होता है सैटेलाइट से। तो मैंने कोई भी स्टूडियो में किसी ने सवाल पूछा तो वो जाता है सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से फिर इंसान के पास जाता है, रिपोर्टर के पास, फिर वो वहाँ से रिप्लाई करता है, तो वो वापस सैटेलाइट तक जाता है, और सैटेलाइट से फिर जो स्टूडियो में जो पूछ रहा है सवाल उसके तक पहुँचता है। तो ये जो प्रोसेस है वो हज़ारों किलोमीटर्स की हो जाती है। तो जो सिग्नल्स हैं उनको पहुँचने में टाइम लगता है, और पहुँचने के बाद उसकी जो प्रोसेसिंग है उसमें भी टाइम लगता है।
तो सैटेलाइट से भी अगर सिग्नल्स आ रहे जा रहे हैं तो उसमें भी लेटेंसी होती है और उसमें भी टाइम लगता है। अब कंप्यूटर्स में भी लेटेंसी होती है, आप जब भी कोई की को प्रेस करते हैं, की को प्रेस करने के बाद आपको आउटपुट मिलता है और वो आउटपुट मिलने में कुछ सेकेंड्स का या मिली सेकेंड्स का गेप होता है और उसको हम कंप्यूटर के अंदर की लेटेंसी बोलते हैं। अब ये लेटेंसी क्यों होती है, उसका रीज़न होता है कि जब भी आप कोई इनपुट देते कंप्यूटर्स में तो वो इनपुट जाता है प्रोसेसर के पास, फिर प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, आपने जो इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करता है कि इसका क्या करना है और इसका क्या रिजल्ट देना है। तो जो प्रोसेसिंग है उसमें कुछ टाइम लगता है। अब जब मैं टाइम की बात करता हूँ तो घंटों की बात नहीं हो रही है, कुछ सेकेंड्स मिली सेकेंड्स की बात हो रही है। तो कंप्यूटर्स में इस तरीके से लेटेंसी होती है और बहुत कम आजकल आप देखेंगे फास्ट प्रोसेसिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्यूटर भी डिले करता है। इसी तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं, आप उसमें कोई एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन को ओपन किया और आप देखेंगे कुछ टाइम लेती है एप्लीकेशन और फिर ओपन होती है, उसके बाद उसमें आप कुछ कर सकते हैं। तो वो जो होती है वो आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी होती है लेटेंसी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।